हेलो, आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। दीज आर द ड्रग्स विच यूज टू लोअर द ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप में दी जाती हैं जिससे रक्तचाप कम हो सके। इसमें पहली है डायबिटिक्स। डायबिटिक्स में तीन तरह के डायबिटिक्स होते हैं, थायजाइड, हाई सीलिंग डायबिटिक एंड पोटेशियम स्पेरिंग। थायजाइड में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथेलिडोन, इंडेपमाइड। हाई सीलिंग में फ्यूरोसेमाइड, पोटेशियम स्पेरिंग में स्पायरोनोलैक्टोन, एमेलुट्राइड। दूसरी क्लास है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिनोप्रिल, रैमिप्रिल, फेसिनोप्रिल। इसमें सब में प्रिल आता है, PIRL, प्रिल। तीसरी क्लास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्रोकर्स। इसमें लोसार्टन, कैंडिसार्टन, एडबिसार्टन, वेलसार्टन, टेलबिसार्टन, इसमें सार्टन आता है सभी के एंड में। फोर्थ क्लास है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। इसमें एलिस्क्रीन। पांचवी क्लास है कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स में क्या क्या आता है, वेरापैमिल, डिल्टियाजम, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एमलोडिपिन, नाइट्रेनडिपिन, लैसिडिपिन। सिक्स्थ क्लास है बीटा ब्रोकर्स। बीटा ब्रोकर्स में कौन कौन से होते हैं, प्रोपनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल। सातवीं क्लास है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। ये दोनों अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। इसमें है लाबेटोलोल, कार्बेडोलोल। एट्थ है अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। इसमें है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, पेंटोलामिन, फिनोक्सीबेंजामिन। नाइन्थ क्लास है सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। इसमें है क्लोनिडिन, मिथाइलडोपा। और टेंथ है वैसोडायलेटर्स। वैसोडायलेटर में आर्टेरियोलर वैसोडायलेटर है एंड आर्टेरियोलर प्लस वीनस डायलेटर है। इसमें क्या क्या है, आर्टेरियोलर में हाइड्रोलिसिन, मिनोक्सिडिल, डाइजोक्साइड। आर्टेरियोलर प्लस वीनस में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। इस तरह से कुल टोटल 10 क्लासेस हैं जिनको हम अकेले या कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। आप क्या आपको पता है कि हाइपरटेंसिव कब बोलते हैं, सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, डायस्टोलिक कितना होना चाहिए? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।